और नहीं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। फंक्शन में आज हम लोग जे में 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे फर्स्ट वाले वीडियो में आपको डोमेन फाइंड करना बताया है और रेंज फाइंड करना बताया है, ठीक है। तो आज हम लोग जे में 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इससे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है कि लेट एक्स सच दैट आर माइनस का 3 टेंड कर रहा है आर माइनस 1 को, बी डिफाइन बाय एफ एक्स। आपको एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पर, x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3। लेट g सच दैट r से r b गिवन एंड gx इज इक्वल टू 2x माइनस का 3, देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f इनवर्स x प्लस का g इनवर्स x इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा जे में 2021 में पूछा गया था, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर ये हमको fx का वैल्यू यहां पर गिवन है और gx का वैल्यू यहां पर गिवन है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट नंबर आपको fx और gx फाइंड, fx और gx का वैल्यू गिवन है तो आपको f इनवर्स x और g इनवर्स x फाइंड करना है। उसके बाद उसको f इनवर्स x और g इनवर्स x का वैल्यू फाइंड करने पर यहां पर पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद x का जो भी वैल्यू हमारा आएगा फाइंड करने के बाद, तो क्या बोलते क्या बोला, देन द सम वैल्यू ऑफ x, मतलब x के वैल्यू, जो x का वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब सम का मतलब ऐड करना, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2 और एक्स माइनस 3, मैं लेट कर लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा सर, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा है और एक्स माइनस का 2 और एक्स माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से जब ये हो जाएगा हमारा वाई एक्स और माइनस का 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2। अब यहां से x वाला टर्म इधर सॉल्व कर लूंगा तो वाई एक्स माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 3y और माइनस का 2। देखिए यहां पर प्लस का 3 था, उधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का 3y माइनस 2 आ जाएगा। दोनों में से यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3y माइनस का 2 और अपॉन में देखिए x जब कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा y माइनस का 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए x इज इक्वल टू आया 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस 1। आपको क्या फाइंड करना सर, f इनवर्स x। हमको जब f इनवर्स x फाइंड करना पड़ेगा तो यहां पर मैं लिखूंगा कि सर f इनवर्स x इज इक्वल टू 3x माइनस का 2 अपॉन में x माइनस का 1। ये हम लोगों ने यहां पर फाइंड कर लिया f इनवर्स x। सिमिलर ऐसे ही जैसे g इनवर्स x फाइंड करते हो, gx इज इक्वल टू हमको ये गिवन है, gx इज इक्वल टू हमको क्या गिवन है, 2x माइनस का 3। तो इसको लेट करूंगा y के इक्वल तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहां से हमको x फाइंड करना है तो इसको उधर ट्रांसफर कर लूंगा तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस का 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस का 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरह से g ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू जब सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा x प्लस का 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने f इनवर्स x फाइंड किया और g इनवर्स x, अब इसको सॉल्व करेंगे तो f इनवर्स x और g इनवर्स x जब यहां पर देखूंगा तो f इनवर्स x प्लस का g इनवर्स x इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 13 अपॉन में 2। यहां पर वैल्यू पुट करूंगा मैं, f इनवर्स x मतलब 3x माइनस का 2 अपॉन में x माइनस का 1 प्लस x प्लस का 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2, ठीक है। जब इसको मैंने यहाँ पर f इनवर्स x का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर g इनवर्स x का वैल्यू पुट कर दिया, इक्वल टू 13 अपॉन 2 था तो 30 अपॉन 2 के इक्वल कर देंगे। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा e इसका फैक्टर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको मैं पूरे को सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करूंगा तो आ जाएगा x माइनस का 2 और x माइनस का 3, तो x माइनस का 2 और x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा इसे, यहां से x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू और 3 आ जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x x का दो वैल्यू आया, 2 और 3 आया, अब दोनों को क्या करना, ऐड कर देना, तो 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, हम लोगों ने जे में 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, अच्छे से नोट करो इसको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द फंक्शन आर डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू रूट एक्स,
आपको जो एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है वो रूट एक्स गिवन है एंड जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में वन माइनस एक्स है, देन व्हाट इज द कॉमन डोमेन, आपको क्या फाइंड करना, व्हाट इज द कॉमन डोमेन ऑफ द फॉलोइंग एफ, एफ प्लस का जी, एफ माइनस का जी, एफ अपॉन जी, जी अपॉन एफ और जी माइनस एफ, वेयर एफ प्लस माइनस जी, वेयर एफ प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले फर्स्ट नंबर यहाँ पर एफ प्लस जी में फाइंड करके आपको लोग बताता हूँ। तो एफ एक्स का मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ जी, एफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन, और जी का मतलब क्या, जी ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है। तो देखिए पहले इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एफ फर्स्ट मैंने सॉल्व कर रहा था कि एफ प्लस का जी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ प्लस का जी, तो एफ प्लस जी का मतलब क्या, रूट एक्स प्लस में वन माइनस का रूट एक्स। मैंने आपको सॉल्व करके ये बताया है कि अंडर रूट एफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन जार इक्वल टू जीरो हो जाए, और प्लस का मीनिंग क्या होता सर, एंड होता। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको एक्स ग्रेटर देन जार इक्वल टू जीरो एंड वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जार इक्वल टू जीरो, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। एंड वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जार इक्वल टू जीरो, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ग्रेटर तो जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट आ जाएगा और जीरो पर क्लोज ब्रैकेट और इस पे ओपन ब्रैकेट। देखिए यहाँ की अगर बात करें इस वाले पार्ट की, वन माइनस एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू, एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से और वन, तो वन पर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा और इस पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। मैं आपको इसको इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले फर्स्ट बता दिया है, जब डोमेन फाइंड करें तो मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करके बताया, ठीक है। अब इन दोनों का एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, अभी एक ही बार मैं बताऊंगा इंटरसेक्शन कैसे लेना है। तो इंटरसेक्शन देखो ऐसे लेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट है, यहाँ पर मैं माइनस इनफाइनाइट, सबसे पहले नंबर की बात करें तो वन है और उसके बाद जीरो है, ठीक है। तो वन और जीरो पर दोनों पर क्लोज मिलेगा तो सॉरी सर्कल जहाँ लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले माइनस इनफाइनाइट से आप जीरो चले, जीरो से प्लस इनफाइनाइट चले, तो जीरो से प्लस इनफाइनाइट घर में चल दिया, फिर माइनस इनफाइनाइट से वन चले तो माइनस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से वन हम लोग मुख्य, ये देखिए ये वाला पार्ट पूरा आपको इंटरसेक्शन मिल गया। तो फाइनल दोनों पर देखा जाए, दोनों पर अगर देखा जाए तो दोनों पर सॉलिड सर्कल, तो एक्स जो बिलोंग करेगा, एक्स जो बिलोंग करेगा वो जीरो से वन के बीच में बिलोंग करेगा, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने एफ प्लस जी फाइंड किया, सेम ऐसे ही एफ माइनस जी फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहां मैं थोड़ा लिख रहा हूँ सेकेंड पॉइंट जब एफ माइनस का जी, तो सेम रहेगा रूट एक्स माइनस का रूट एक्स, तो जब उसको भी मैं सॉल्व करूंगा एफ माइनस का जी जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसका भी आंसर हमारा जीरो से वन ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो जो इसका भी आंसर आएगा एक्स जो बिलोंग करेगा वो जीरो से वन के बीच में ही बिलोंग करेगा, सेम एफ अपॉन जी। तो थर्ड ऑर्डर पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, तो एफ अपॉन में जी, तो एफ क्या था सर, रूट एक्स था, और जी क्या था, वन माइनस का रूट एक्स था, ठीक है। तो यहां पर भी कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा कि रूट एक्स ग्रेटर देन इजार इक्वल टू जीरो एंड वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब ये डिनोमिनेटर में था, इसीलिए यहां पर इनक्वालिटी नहीं होल्ड करना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट आ जाएगा इसका आंसर, तो जीरो से इनफाइनाइट, इस पे क्लोज ब्रैकेट, इस पे ओपन ब्रैकेट, एक्स बिलोंग करेगा एंड इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स तो लेस देन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट से वन आएगा, बट वन पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान दे रहा, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से वन भी इसका आंसर आ जाएगा, एफ अपॉन जी जब फाइंड करेंगे तो ये जीरो से, और दोनों का जब वो ले लूंगा इंटरसेक्शन ले लूंगा तो फाइनल क्या आ जाएगा, एफ अपॉन जी एक्स बिलोंग करेगा हमारा, ये जीरो से वन के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो जीरो से और जीरो पे भी ओपन ब्रैकेट, जीरो पर यहाँ पर एक मिनट इनक्वालिटी होल्ड करें तो क्लोज ब्रैकेट है, तो जीरो से वन, वन पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एफ अपॉन जी, अब हम लोग को जी अपॉन एफ फाइंड करना फोर पॉइंट, तो जी अपॉन एफ अभी थोड़ा सा ऐसे माइंड हमको लगाना है, जी अपॉन एफ जब फाइंड करूंगा तो इसका आंसर सेम क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा x बिलोंग करेगा जीरो से वन के बीच में, x बिलोंग करेगा जीरो पर ओपन ब्रैकेट और वन पे क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर g अपॉन f इसका अपोजिट हो गया ना, g क्या था यहाँ पर, ये वन माइनस रूट एक्स,
तो ये तो क्लोज में चला गया, और ये जो x ग्रेटर देन 0 डिनोमिनेटर हो जाएगा था, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो वो उससे ऊपर मेरे कर देगा, तो x बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। नेक्स्ट, अब ऐसे ही हम लोग को फाइंड करना है g माइनस का f, तो 5 पॉइंट जब फाइंड करूंगा g माइनस का f, तो g का वैल्यू कितना है, ये 1 माइनस का रूट x, और ये रूट x हो जाएगा, तो जब g माइनस f भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर जो आ जाएगा वो x बिलोंग करेगा हमारा क्लोज ब्रैकेट का 0 से 1। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक बार इसको रीड कर चुके हैं, तो 0 से 1 हो जाएगा, और फाइनली जब मैं पूरे का इंटरसेक्शन लूंगा, पूरे का इंटरसेक्शन लूंगा, देखिए यहाँ पर 1 पर क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन है, यहाँ 0 पर क्लोज है, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन अगर ओपन आ रहा है तो इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा x बिलोंग करेगा ये हमारा 0 से 1 के बीच में, ओपन ब्रैकेट साइड 0 से 1 के बीच में, पूरे का मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द कॉमन डोमेन, आपको कॉमन डोमेन का जब इंटरसेक्शन लेना है तो x बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, ऑप्शन में ऐसा था 0 लेस देन x और लेस देन 1, तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इसमें एक्स्ट्रा माइंड क्या हमको लगाना था कि अगर f प्लस जी आप फाइंड करें तो सेम उसका एक बार ये आंसर आ गया, f प्लस जी का ये आंसर आ गया जैसे हम लोग 0 से 1, तो सिमिलर f माइनस जी का भी है, f अपॉन जी फाइंड करेंगे g अपॉन f, तो यहाँ पर जब ये g f अपॉन g तो यहाँ पर क्लोज यहाँ पर ओपन हो गया, इसी का अपोजिट कर लो g अपॉन f, तो इतना थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड आपको लगा के सॉल्व कर लेंगे आप, और g माइनस f पूरे का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0, x बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, लाइक करेगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ जाएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या पूछा गया है क्वेश्चन, द रियल वैल्यू ऑफ f x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, वेयर इंटीगल पार्ट ऑफ डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इजार इक्वल टू x बोला गया, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इजार इक्वल टू x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग टू, x बिलोंग टू क्या बोला कि कहां से कहां तक x जो है बिलोंग करेगा, ठीक है, तो यहां पर डोमेन ऑफ द फंक्शन डोमेन ऑफ cosec इनवर्स x का क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x का x बिलोंग करेगा हमारा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट के साथ यूनियन 1 से प्लस इनफाइनाइट, ये डोमेन ऑफ cosec इनवर्स x जो हो जाएगा x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 1 से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम लोग करें तो अंडर रूट x अंडर रूट f(x) क्या एग्जिस्ट करेगा जब f(x) क्या हो जाए ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तो इसको मैं लिख लूंगा x माइनस का इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में इसलिए इनइक्वालिटी नहीं रोट करेगा, तो यहां पर x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ये होता क्या सर x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होता है, ठीक है, तो यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है x नॉट इक्वल टू i, i का मतलब क्या कोई इंटीजर वैल्यू अगर पुट करते हैं यहां पर कोई इंटीजर वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए इसको यहां पर इंटीजर वैल्यू मना कर रहा है x नॉट इक्वल टू i, ठीक है, तो इसका अगर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर देखा जाए रिक्वायर्ड डोमेन की अगर हम लोग बात करें तो फाइनल क्या आएगा यहाँ पर x जो बिलोंग करेगा वो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन पे क्लोज ब्रेकर यूनियन वन से प्लस इनफाइनाइट यूनियन और माइनस का यहाँ पर आई मतलब इंटीजर, ठीक है, कर्ली ब्रेकर लगा के यहाँ पर एक इंटीजर लगा देंगे माइनस का इंटीजर, तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, तो इसको आप नोट कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 5 की पावर में log x बेस e इज इक्वल टू क्या होगा, ए ऑप्शन x इज इक्वल टू 5 की पावर में log y बेस e, b इज इक्वल टू log 1 अपॉन 5 y के पावर में 1 अपॉन log 5 बेस e, और c ऑप्शन है x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 के पावर में log y, और x d ऑप्शन x इज इक्वल टू log 5 बेस e, ऐसा हमको ये गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोथ साइड में log ले लेता हूँ, जब मैं बोथ साइड log टेकिंग बोथ साइड log, ठीक है, बोथ साइड log लूंगा तो ये हो जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू log x बेस e और log 5, ठीक है,
अब थोड़ा सा यहाँ पर log x बेस ही यहाँ पर ऐसा भी है जिसे कहते हैं log 5 बेस ही। अब थोड़ा सा हम लोग को माइंड लगाना है, ये माइंड लगाना है यहाँ पर, देखिए log x बेस ही और log 5, तो यहाँ से मैं लिखूंगा log x बेस ही इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ log y बेस ही, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लिखा log y बेस ही अपॉन में log 5 बेस ही, ठीक है, log 5 बेस e, क्लियर है। मैंने यहाँ log x को ब्रेक किया, इसको इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं log y बेस 5, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे log y और बेस 5, क्लियर है। तो log x इज इक्वल टू, और एक मैंने log की प्रॉपर्टी पढ़ाई कि log x बेस e इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू e की पावर में t होता है। log x base e is equal to t, तो x is equal to क्या होगा, e के पावर में t आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, तो ऐसा हम लोग क्यों करें, क्योंकि x is equal to something आपको ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, तो यहाँ से x is equal to जो आएगा y के पावर में log e और base 5, log e और base 5, ठीक है। तो इसका और क्या लिख सकते हैं हम लोग, x is equal to y के पावर में 1 अपॉन में log 5 बेस e, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन y के पावर में 1 अपॉन log 5 बेस e, मतलब b ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस आपके आपको log की प्रॉपर्टी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यू ऑफ डिफाइन आर माइनस माइनस वन से वन एंड गिवन बाय एफ एक्स। आपको जो यहाँ पर फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 लॉग एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स प्लस का 1 मॉड में माइनस का 2 अपॉन में एक्स माइनस 1, देन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर यहाँ पर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, क्लियर है। यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो चलो पहले यहाँ पर एफ एक्स जो था उसको लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस का लॉग बी, तो 3 टाइम्स यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉग एक्स माइनस का 1 और लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी, तो माइनस का 3 लॉग एक्स प्लस का 1 और माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये मैंने यहां पर लिख लिया एफ एक्स, ठीक है। अब एफ डैश एक्स फाइंड करना, क्योंकि यहां पर एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 है, तो जब एफ डैश एक्स फाइंड करूंगा तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में एक्स माइनस का 1 माइनस 3 अपॉन में x प्लस का 1 और 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा, तो ये प्लस का 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये सब बेसिक डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से जब मैं f डैश x फाइंड करूंगा, f डैश x जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस का 1, ये तो डिनोमिनेटर वाला तो क्लियर ही है, क्योंकि जब एलसीएम लोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 यही आएगा हमारा, ठीक है। और ये क्या है, बेस x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तो यहां पर कर लूंगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 में कर लूंगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहां से नंबर लाइन पर वैल्यू पहले वैल्यू पुट करते हैं, तो मैंने यहां पर एक नंबर लाइन बनाया, ये हमारा हो गया प्लस इनफाइनाइट और ये हमारा हो गया माइनस इनफाइनाइट। x इज इक्वल टू यहाँ से प्लस का 1 आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 बाय 2 आएगा। सबसे पहले नंबर की बात करें तो 1 है और x इज इक्वल टू भी 1 बाय 2 है और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। पुट पॉजिटिव साइन राइट मोस्ट साइड, पहले चूज करेंगे पॉजिटिव साइन, यहाँ पर प्लस का साइन चूज करेंगे, फिर इस 1 से बात करें कि आप किस ब्रेकर से, तो आप ये इस ब्रेकर से आया है और इसके पावर में जो 2 है, 2 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो 2 अगर एक इवन नहीं है तो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव में जब कराएंगे तभी ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं,
एक्स इज इक्वल टू वन पूछेंगे सर आप किस ब्रेकर से हो, तो बोलेंगे सर हम इस ब्रेकर से, मैं बोलूंगा आपको पावर क्या था, पावर बोलेंगे मेरा एक इवन नंबर है क्योंकि टू है, टू एक इवन नंबर है तो मुझे पॉजिटिव साइन देगा, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इससे बात करके वन अपॉन टू, तो इसका पावर जो है वन है, वन एक ऑड नंबर है तो वन जो है एक ऑड नंबर है तो मुझे निगेटिव देगा, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या देगा पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव इंटू निगेटिव हमारा निगेटिव हो जाएगा, फिर इस माइनस वन से इसका पावर भी वन निगेटिव देगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ठीक है, अब ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव लेना है हमको। अब देखिए यहाँ पर भी होलो सर्कल लगेगा, यहाँ पर भी होलो सर्कल, क्यों होलो सर्कल लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है x माइनस वन एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर में है, तो इसीलिए यहाँ पर होलो सर्कल लगेगा। यही सब आपको ध्यान रखना है, ब्रेकेट क्लोज ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट, ठीक है, इनइक्वालिटी तो आप सॉल्व कर लो लेकिन कहीं कहीं यही रॉन्ग हो जाएगा आपका कि ओपन ब्रेकेट लगाना है क्लोज ब्रेकेट लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सॉलिड सर्कल तो वन बाई टू क्योंकि ये न्यूमरेटर में ना कि डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो का मतलब पॉजिटिव लेना, तो एक्स जो बिलोंग करेगा यहाँ पर हमारा एक्स बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन और माइनस वन पे ओपन ब्रेकेट यूनियन वन बाय टू से प्लस पॉजिटिव लेना, वन बाय टू से प्लस इनफाइनाइट तो वन बाय टू से वन और वन बाय टू पे यहाँ पर क्लोज ब्रेकेट लगेगा और वन पर ओपन ब्रेकेट क्योंकि सॉलिड सर्कल है और यूनियन वन से प्लस इनफाइनाइट, तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो बहुत